वाड्रफ नगर को जिला नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपाइयों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में प्रतापपुर वाड्रफ नगर को जिला बनाने की किया गया था, लेकिन भूपेश सरकार के द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर सरकार का गठन होने के बाद भी ढाई साल पूरे होने के बाद भी 15 अगस्त को भूपेश सरकार के द्वारा चार जिलों की घोषणा की गई, पर वाड्रफ नगर की जनता को पुनः ठग दिया है। कांग्रेस ने कहा था कि अब अगर हमारे विधायक जीतता है तो हम लोग वाड्रफ नगर को जिला घोषित करेंगे। इसकी वजह से क्षेत्र की जनता कांग्रेस को समर्थन की और आज सरकार बनने के बाद चार जिलों की घोषणा हुई, जिसमें कि वाड्रफ नगर का नाम नहीं होने से क्षेत्र की जनता में आक्रोश है, जिससे नाराज होकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सांकेतिक हड़ताल राजीव गांधी चौक पर किया गया, जिसके सहयोग में भाजपा मंडल वाड्रफ नगर के लोगों द्वारा समर्थन किया गया और कहा, वाड्रफ नगर को जिला घोषित करने हेतु शासन को सूचित कीजिए, अन्यथा आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजीव गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जी, भूपेश सरकार अपने घोषणा पत्र या यूं कहा जाए कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा मंत्री पर पदासीन है, वे इस क्षेत्र में जब आए थे वे अपने उद्बोधन में बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो वाड्रफ नगर को जिला घोषित हम करा देंगे। कल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भूपेश जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं केवल चार जिला बना करके घोषित कर दिए, इस क्षेत्र की जनता को केवल ठगे, किसानों को ठगे। इसी प्रकार अगर वो ठगते रहे तो जनता भी उन्हें ठगेगी। आने वाला समय जनता के हाथ में है। यह सांकेतिक हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कुछ दिनों के पश्चात या 26 जनवरी को जिला घोषित नहीं होती तो हम लोग बृहद रूप पर आंदोलन करेंगे। क्या उद्देश्य को लेकर धरना प्रदर्शन किया? भाई साहब, एक कांग्रेस के सरकार के द्वारा अपने छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनाने के घोषणा पत्र में हमारे वाड्रफ नगर क्षेत्र जो कि मुख्य था, जिसकी भौगोलिक दृष्टि से चुनचुना पुंदाग से लेकर के कटौली मझौली मध्य प्रदेश बॉर्डर तक 250 किलोमीटर का ये लंबाई क्षेत्र है और यहाँ बलरामपुर जाने में यहाँ 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है लोगों को। कोर्ट कचहरी कलेक्ट्रेट जाने में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट है और कांग्रेसी लोग चुनाव में घोषणा किए थे कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो वाड्रफ नगर जिला बनाएंगे और वो कल घोषणा किए जिसमें चार जिला का घोषणा हुआ और वाड्रफ नगर का नाम नहीं आया। इससे यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका घोर निंदा करते हैं कि वाड्रफ नगर जिला घोषित नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य? धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले वादा किया था कि प्रतापपुर वाड्रफ नगर को मिलाकर के कल हम अलग जिला बनाएंगे। दो किस्तों में जिला का घोषणा हुआ लेकिन प्रतापपुर वाड्रफ नगर को मिलाकर के जिला नहीं बना। उसके विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और आज सांकेतिक रूप से यह धरना है। आगे चल के संसद से सड़क तक लड़ेंगे और जिला बनवा के रहेंगे। समय न्यूज के लिए सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।